हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी नोट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन की सीरीज पे मैं आज लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ कमेंट्स इस संबंध में आए थे कि लिमिटेशन एक्ट के भी क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम के लिए बताए जाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये पहला क्वेश्चन लिमिटेशन का दे रहा हूँ। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत ये जो सेक्शन है 6, 7, 8, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, सेक्शंस हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अभी हाल में इसके पहले 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के एचजेएस और सीजे के एग्ज़ाम में। एचजेएस में 2015 में पूछा गया है और सीजे के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो भी मेरे चैनल पे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे जो सीरीज़ देने वाला हूँ उनका नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिल जाए, जब जब मैं डालूँ तो उनको पता चल जाए कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो मेरा प्रयास है वो आपके लिए एक सपोर्ट है, तो इसे सपोर्ट मान करके ही चलिएगा और अपनी तैयारी खुद से कीजिएगा, खुद पर भरोसा रखिएगा। मेरा सिर्फ एक सपोर्ट है आपके लिए, एक गाइडलाइन है आपके लिए। और इस क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे करेंगे ये बताना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, विधिक निर्योग्यता क्या है, लीगल डिजिबिलिटी क्या है। परिसीमा के अवधि पर विधिक निर्योग्यता के प्रभाव का परीक्षण करें, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा यह तो बहुत ईजी है और हम आसानी से लिख देंगे, लेकिन वास्तव में जब ये क्वेश्चन आएगा तो जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठे होंगे सब एक जैसा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सेक्शन एक ही लिखेंगे, 6, 7, 8 को ही लिखेंगे, लेकिन वो सब एक जैसा नहीं लिखेंगे। तो जो जितना बेहतर लिखेगा उसकी मार्किंग भी उतनी बेहतर जाएगी। तो इस सेक्शन के आंसर को हम तब बेहतर कर पाएंगे और आसान शब्दों में इसको लिख पाएंगे जब 6, 7 और 8 को हम बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्या कंटेंट है उसके अंतर्गत, क्यों ये सेक्शंस बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य है इनको बनाने का और क्या क्या है इनके अंदर। एक्चुअली 6 में क्या बताया गया है, 7 में क्या बताया गया है और 8 क्यों बनाई गई है, क्या ये एक्सेप्शंस भी हैं क्या आपस में। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 यानी कि 6 के अंतर्गत अवयक्स, जड़ एवं पागल को विधिक निर्योग कहा गया है। यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो धारा 6 के अंतर्गत विधिक निर्योग होंगे, या ऐसे व्यक्ति विधिक निर्योगता से ग्रसित माने जाएंगे जो कि अवयक्स हैं, जड़ हैं एवं पागल हैं। इनको धारा 6 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत विधिक निर्योग कहा गया है या इनको विधिक निर्योगता से ग्रसित माना गया है धारा 6 के अंतर्गत। अब इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति इनमें से किसी असमर्थता से युक्त है, अवयक्स है, जड़ है एवं पागल है,
ये तीन तरह की असमर्थताएं डिजेबिलिटी बताई गई हैं सेक्शन 6 के अंतर्गत, और ये तीन तरह की ही मानी जाएंगी। इनके अलावा यदि कोई है तो 6 उसको कवर नहीं करता है। तो इनमें से किसी असमर्थता से युक्त है, विधिक कार्यवाहियों के लिए वह व्यक्ति निर्योग्य होता है, सेक्शन 6 में बताया गया है। तो आपको सिंपली लिखना है कि परसीमा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अवयस्क, जड़ एवं पागल को विधिक निर्योग कहा गया है या विधिक निर्योगता से ग्रसित माना गया है। जब कोई व्यक्ति इनमें से किसी असमर्थता से युक्त होता है तो वो विधिक कार्यवाहियों के लिए निर्योग्य होता है। ये धारा 6 में स्पेशली बताया गया है, विशेष रूप से बताया गया है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। यह धारा तीनों में एप्लीकेबल होती है, वाद, आवेदन और अपील में। तो इसको भी हमें लिख देना है कि जहाँ किसी व्यक्ति को कोई वाद, आवेदन या अपील करने का हक है, देखिए हक है, लेकिन यह निर्योग्यता से युक्त तब माना जाएगा जब समय की संगणना की जानी हो, उस समय व्यक्ति इन असमर्थताओं से युक्त होना चाहिए। तो जहाँ किसी व्यक्ति को कोई वाद या आवेदन या अपील करने का हक है, उस समय जब समय की संगणना की जानी है, वह व्यक्ति उपर्युक्त निर्योग्यता में से किसी निर्योग्यता से ग्रसित है, तब यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति वह विधिक रूप से निर्योग्य है। ऐसे व्यक्ति को परसीमा अवधि में छूट दी जाती है। तो ये धारा 6 कंप्लीट होती है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई वाद, आवेदन या अपील करने का हक है, और उस समय हक तो है लेकिन जब उसे ये दायर करना है और समय की संगणना की जानी है, तो समय की संगणना किए जाते समय इन तीनों में से किसी भी असमर्थता से यदि वह व्यक्ति युक्त है, तब यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति विधिक रूप से निर्योग्य है, और ऐसे व्यक्ति को फिर परसीमा अवधि में छूट दी जाएगी, यानी कि जब वह इन असमर्थताओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद तो जो छूट दी गई है यहाँ पर, वो जब तक वो ऐसी असमर्थताओं से ग्रसित रहता है तब तक इस अधिनियम के अंतर्गत उसे छूट दी गई है। इस अधिनियम का सहारा लेकर के वह जब तक इनसे मुक्त नहीं हो जाता, जब तक उसे छूट मिल जाती है। तो ये स्पष्ट हो गया। अब इसमें अवयस्क, जड़ एवं पागल व्यक्ति को परसीमा अवधि में छूट दी गई है क्योंकि वह असमर्थताओं से युक्त है। बस याद ये रखना है, स्पेशली ये स्पष्ट रूप से लिख करके बताना है कि समय की संगणना की जाते समय या जब की जानी है, उस समय वह व्यक्ति यदि ऐसी निर्योग्यताओं से युक्त है, तब उसे परसीमा अवधि में छूट दी जाएगी। धारा 6 के अंतर्गत वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। वाद कारण उत्पन्न होने का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समय की संगणना की जाती है वो इसी समय से की जाती है, और इसीलिए जो निर्योग्यता का लाभ है वह भी इसी समय से दिया जाता है। तो स्पष्ट करेंगे कि धारा 6 के अंतर्गत वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय से ही समय की संगणना होती है और निर्योग्यता का लाभ भी इसी समय से प्राप्त तो होता है। तो काज आप एक्शन का आप टाइम, तो जो काज आप एक्शन है वो और उसका टाइम, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो छूट किन पर स्थितियों में दी जाएगी और कब दी जाएगी, ये दोनों बातें हमने स्पष्ट की। कब दी जाएगी वो यहाँ पर है कि धारा 6 के अंतर्गत वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसी समय से यही वह समय है जब से समय की गणना होती है और निर्योगता का लाभ भी इसी समय से प्राप्त होता है। अब अवैक्स के अंतर्गत जो भी आते हैं, अवैक्स लिमिटेशन एक्ट अवैक्स के अंतर्गत जिनको कवर करता है उसको भी हमें आगे स्पष्ट करना होगा। तो अवैक्स के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु भी शामिल है, बस इतना ही इसको कवर कर रहा है कि अवैक्स वह व्यक्ति भी माना जाएगा जो उस वक्त गर्भ में स्थित है जिस समय समय की संगणना की जानी है। अतः गर्भस्थ बालक को अवयक्स समझा जाएगा इस संबंध में इस सेक्शन के लिए स्पेशली यहाँ स्पष्ट किया गया है, और वह विधिक रूप से निर्योग माना जाएगा या होगा तथा उसे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार छूट मिलेगी। कहने का मतलब ये है 2017(6) के अंतर्गत अवयक्स के लिए बताया गया है कि वह व्यक्ति भी अवयक्स है जो गर्भ में इस समय स्थित है और उस बालक को इस संबंध में अवयक्स समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे छूट मिलेगी। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो अवयक्स के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु भी शामिल है, इसको लिखना है और इसको स्पष्ट भी करना है कि जो अवयक्स को छूट मिलेगी, लाभ मिलेगा इस अधिनियम के अंतर्गत, वह छूट या लाभ गर्भस्थ शिशु को भी मिलेगी क्योंकि वह भी अवयक्स माना जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है धारा 6 को आगे ले जाने के लिए वो ये है कि निर्योगता समाप्त होने के बाद, वह उतने समय में ही कार्रवाई संचित कर सकेगा जितना कि अधिनियम की अनुसूची 3, इसको भी स्पष्ट करना होगा, अनुसूची 3 में निर्दिष्ट किया गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी विधिक निर्योगता से युक्त है तो उसे उस दौरान या असमर्थता के दौरान या जब तक वह असमर्थ रहता है उस पूरे समय की छूट मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति निरोगता से मुक्त होता है तो मुक्त होने के दिनांक से या मुक्त होने के दिन से वह उसे उतना ही समय मिलेगा जितना कि उस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है। उतने समय के अंतर्गत उसे वाद आवेदन या अपील दायर करना होगा या उसकी कार्रवाइयां फिर करनी ही होगी, उससे अधिक समय फिर उसे नहीं मिल पाएगा। यह निरोगता समाप्त होने की बाद की स्थिति है। परिसीमा की अवधि पर विधिक निरोगता के संबंध में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पूछा गया है कि परसीमा के अवधि पर विधिक नियुक्ता का प्रभाव का परीक्षण करना है। तो अब हमें ये बताना है कि परसीमा अवधि, परसीमा की जो अवधि है पर उस विधिक नियुक्ता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पर इस बात पर हम जोर देंगे। एक से क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। पहला, यदि विहित काल निर्योगता जारी रहने के दौरान ही समाप्त हो जाती है, विहित काल के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट के मेरे ही चैनल पे कई वीडियो पड़े हैं जिस पे मैंने इन सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा की है। बार बार किसी एक चीज़ को लेके हर वीडियो में डिटेल करना, वीडियो को केवल लंबा करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल नहीं करूँगा, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं और यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि विहित काल निर्योगता जारी रहने के दौरान ही समाप्त हो जाती है तो निर्योगता समाप्त होने की दिनांक से 3 वर्ष के अंदर
वह कार्यवाही संसद करेगा। ये जो अनुसूची 3 है इसमें ये सब दिया गया है। तो ये सेक्शन 8 बताती है हमको कि विहित काल निर्योगता जारी रहने के दौरान ही समाप्त हो जाती है, यानी कि निर्योगता जारी है और विहित काल समाप्त हो गया है। तो निर्योगता समाप्त होने की दिनांक से, तो जब निर्योगता जारी है और विहित काल समाप्त हो गया है और अधिनियम ऐसे व्यक्ति को छूट प्रदान करता है, तो वो छूट ये है कि जब भी निर्योगता समाप्त हो जाएगी तो निर्योगता समाप्त होने की दिनांक से फिर 3 वर्ष के अंदर कार्यवाही संसद करनी होगी उसको। तो 3 वर्ष याद रखना है, ये सेक्शन 8 में बताया गया है, आप एक्ट के सेक्शन 8 को देख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, यदि विहित काल के अंदर ही नियुक्ति समाप्त हो जाती है, यहाँ विहित काल के अंदर नियुक्ति जारी रहती है फर्स्ट पॉइंट में, तो उसे समाप्त होने के की जो तारीख होगी उससे 3 वर्ष के अंदर। अब यहाँ यदि विहित काल के अंदर ही नियुक्ति समाप्त हो जाती है तो शेष बची अवधि के अंदर ही वाद आवेदन दायर कर सकेगा, उसे अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, जैसे कि सेक्शन 8 के अंतर्गत बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बताया, अतिरिक्त समय दिया गया उसे, क्योंकि विहित काल नियुक्ता जारी रहने के दौरान ही समाप्त हो गया ये विहित काल, तो फिर उसे अतिरिक्त समय मिलेगा। लेकिन यदि विहित काल समाप्त नहीं होता बल्कि विहित काल के अंदर ही नियुक्ता समाप्त हो जाती है, तो फिर जितना समय बचेगा उस समय के अंदर ही उसे कार्यवाही संसद करनी होगी, इसमें अतिरिक्त समय फिर उसे नहीं मिलेगा। अगर विहित काल 1 हफ्ता भी बचता है तो उस 1 हफ्ते के अंदर उसे कार्यवाही करनी होगी, उसे अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, यह लिमिटेशन एक्ट कहता है। तीसरा पॉइंट यह है, यदि विधिक रूप से निर्योग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, स्पष्ट देख लीजिए यहाँ पर, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो विधिक रूप से निर्योग का है और मृत्यु होने तक विधिक नियुक्ता बनी रहती है, तो वो मरा विधिक नियुक्ता के दौरान ही मर गया ऐसा मान के चलते हैं, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को उपरोक्त छूट का लाभ मिलेगा, यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे उस संबंध में छूट मिलेगी, वही छूट मिलेगी जो उस व्यक्ति को मिलती जब वो विधिक निर्योग था। तो यदि विधिक रूप से निर्योग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने तक विधिक नियुक्ता बनी रहती है, इसका मतलब यह है कि विधिक नियुक्ता के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को वह छूट मिलेगी जो उस व्यक्ति को मिलती, उपरोक्त छूट का लाभ। तो अब विधिक प्रतिनिधि को भी सेक्शन 6 का लाभ मिल जाएगा, ये मतलब है कहने का। तो इस तरह से ये मेरा लिमिटेशन एक्ट का पहला क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया और अपनी तरह से इसको लिख करके इसके आंसर करने का मैंने कोशिश किया है। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक भी कर सकते हैं, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वो मेरे चैनल को खोल करके इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल एक दूसरे को देख करके भी चीज़ें पढ़ने का ट्रेंड है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा या 10 लोगों ने किसी चीज़ को देखा होगा, 100 लोगों ने किसी चीज़ को देखा होगा, तो उसके बाद वाला जो देखता है तो सोचता होगा अगर 100 लोगों ने देखा है तो कुछ तो होगा इसमें, तभी 100 लोगों ने देखा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद देने वाला हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मेरा प्रयास है कि जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं, जिस वो क्वेश्चन आपके काम के हों और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आपका समय बर्बाद ना हो यदि आप मेरा चैनल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम आपको आएगा, ये मेरा वादा है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, यदि परसीमा एक्ट पूछा जाएगा तो मेरे क्वेश्चन उसमें
होने के चांस होंगे, आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।